किसी किसी का चैप्टर 3, लेकिन ऑलमोस्ट का ये चैप्टर 2 है। ओके चलिए, अब मुझे आप लोग शुरू करते हैं क्लास। आप मुझे बताओगे कि क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन। यश कौशिक बताइए जरा, कौशिक बोलिए पहले, क्या प्रॉब्लम है आपको कौशिक? जो हम लोग सर पहले सर पढ़ रहे थे लैंड वाटर सॉइल नेचुरल, ये सब सर वही चीज सर इस चैप्टर में भी है? नहीं, इस चैप्टर में नहीं है ये, देखो समझो। वन मिनट पूर्णिमा, पूछते हैं हम। ये देखो ये चैप्टर क्या है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? तो yes, ये sir. एक ही चैप्टर है, ठीक ना? यस सर। लेकिन बुक के पब्लिकेशन, क्योंकि क्लास 8 में पब्लिकेशन अलग अलग है ना। यस सर, रत्नासागर है। हाँ, तो तुम्हारे कुछ बुक में ये लैंड सॉइल एंड वाटर ये तीन एक तरफ कर दिया है एक चैप्टर में, और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसको अलग अगले चैप्टर में कर दिया है। तो सर मेरे पास तो सर दोनों है। हाँ तो दोनों है, तो दोनों से पढ़ो, मैटर वही होना चाहिए। दोनों है, रत्नासागर है तो रत्नासागर का चैप्टर 3, और अगर एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी का चैप्टर 2। यस पूर्णिमा, आप बता रहे थे, बताइए नेचुरल वेजिटेशन क्या है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? Sir, the plants which grow naturally without any human interference is called natural vegetation. Very good. Utkarsh, आप बता रहे थे? बताएंगे? Yes, sir. हमको क्या कहना है? The plants which grow naturally without any human interference are very good. Natural vegetation. चलो सही है। Natural vegetation का मतलब क्या होगा? जो vegetation जो होंगे वो naturally grow करें। नेचुरली का मतलब क्या हुआ कि वहां पे कभी भी किसी भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग जो क्रॉपिंग करते हैं या प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं उसको हम नेचुरल वेजिटेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो सभी को, जिसको पता है वो भी और जिसको नहीं पता है वो भी, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? द प्लांट्स विच ग्रोज नेचुरली आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, शुरू कीजिए जल्दी। होमवर्क कुछ नहीं दिए थे लास्ट, हम मैंने होमवर्क नहीं प्रोवाइड किया था कुछ भी ना। अने लास्ट क्लास हमारा कहूत रहा था, ये देखिए यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। वन मिनट में मैं कहीं दे रहा हूं, देखो ये दिख रहा है, इसे मार्क कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए ये नोट कर लेना, फिर इसके बाद ये वाइल्ड लाइफ का डिफिनेशन जो होगा इसको भी नोट डाउन कर ही लीजिएगा साथ में। दो डिफिनेशन हम लोग कर लिए यहाँ पे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। डन, देखो एक तो आपने डिफिनेशन किया किसका, तो नेचुरल वेजिटेशन का, कि जो प्लांट खुद नेचुरली ग्रो करेंगे उसी को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और वहीं पे वैसे एनिमल्स जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो फॉरेस्ट होंगे उसमें रहेंगे, ठीक है? नेचुरल हैबिटेट वही है, हम लोग अगर सेंचुरी बना दे उसके अंदर डाले तो उसको वाइल्ड लाइफ नहीं बोलेंगे, अगर हम बना दे जू जू के अंदर रख दे एनिमल्स को तो उसको वाइल्ड लाइफ नहीं बोलेंगे, ठीक ना? तो नेचुरल हैबिटेट जो नेचुरली फॉर्म हुआ है, ठीक, उसके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि जू बना दिया जू में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स है तो एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ बोलेंगे, नहीं, ठीक ना? समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? अब ये बताओ लिथोस्फीयर,
ये क्या होता है, किसको पता है लिथोस्फेयर? सर लैंड। लैंड ठीक है, वन वर्ड में चाहिए। उसका दूसरा होता है एटमोस्फेयर, दूसरा एटमोस्फेयर सर एयर। एयर हाइड्रोस्फीयर क्या होता है क्या? लैंड सिर्फ मिले तो कोई एनिमल वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है? नो सर। अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे वाटर मिल जाए तो क्या एनिमल सर्वाइव कर पाएगा? नो सर। तो क्या होता है कि हमें तीनों के जो होते हैं, तीनों चाहिए, लैंड भी चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, तीनों चाहिए ना? तीनों जहाँ मिलते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं कौन सा स्फीयर? बायोस्फीयर। क्यों बोलते हैं बायोस्फीयर सर? क्योंकि वहाँ पे वन बाय वन। आर्यन बताइए, आर्यन बोल रहे थे ना? हाँ बोलो आर्यन, नहीं हो रहा है। पायल प्रिया बोलिए सर। क्योंकि वहाँ तीनों एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर मिलते इंटरेक्ट करते सर, इससे उसको बायोस्फेयर बोल रहे हैं। ठीक, वेरी गुड। ठीक ना, तीनों मिल रहे हैं इसलिए उसको बायोस्फेयर बोल रही है, उन्होंने कहा। नहीं और कोई? पूर्णिमा सर वही सेम। आप क्या बोल रही हैं सर? जहाँ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, उसको डिफिनेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फीयर मीट। देखो चलो ठीक है, हो गया। बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग, लिविंग स्फीयर। तो मैंने अभी तुमसे डिस्कस किया, मैंने अभी तुमसे पूछा है क्या लैंड एरिया मिलेगा तो रहे आप लाइफ वहां पे सस्टेन करेगी नहीं करेगी, आपने कहा नहीं। वाटर रहेगा तो वहां पे सस्टेन करेगी नहीं, आपने फिर कहा कि नहीं, कहा ना आपने। तो ये जो ऐसा स्फीयर है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, ये जो स्फीयर है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर। अब लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, हाँ अब अफर में सही बोल रहे थे, स्फीयर भी सपोर्ट लाइफ, यस। और लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जहां पे मीट एंड इंटरेक्ट करेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फेयर। समझ में आई बात? तो डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहां से आप नोट डाउन करना शुरू करके लिखो, यहाँ पे दिस नहीं, सॉरी दिस को ना लिखिएगा, आप लोग कीजिएगा द, द नैरो जोन। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना द, समझ रहे हैं? द नैरो जोन पहले कीजिएगा, द नैरो जोन लिख लेंगे आप लोग। लिख चुके? यस सर। द नैरो जोन वेयर, यस सर, वेयर, वेयर द नैरो जोन वेयर, यस सर, यहां से वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर मीट एंड इंटरैक्ट इज नोन एज, इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, समझ में आई बात? थोड़ा सा वर्ड्स को इंटरचेंज कर देना है और कुछ नहीं, सारे बुक से ही वर्ड लिए गए लेकिन इंटरचेंज किए गए हैं, थोड़ा उनका पोजिशन बदला गया है। ठीक है, सभी लिख लेंगे, उसका मैं फिर एक बार पढ़ूंगा, आप उसको पढ़ लेंगे, आप उसको समझ लेंगे। डन डन सर। ओके, तो डिफिनेशन मैच कीजिएगा। डन सर। डिफिनेशन आपका होना चाहिए, वन मिनट, डिफिनेशन आपका होना चाहिए द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर मीट एंड इंटरैक्ट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर, या इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, इज नोन एज बायोस्फीयर। समझ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, और अपर में ने काफी अच्छा वर्ड लिखा है, लिख लीजिएगा बायोस्फीयर इज द स्फीयर विद सपोर्ट लाइफ। ठीक है, ये भी आप स्टार डाल के नोट डाउन कर लीजिए, बायोस्फीयर इज द स्फीयर विद सपोर्ट लाइफ। सर एक बार फिर से रिपीट कर। मैं दिख रहा है आपको क्या मैं नोट कर रहा हूं? यस सर। हो गया? यस सर।
नोट कर लिया आप लोग? डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। अब देखिए अगला हम लोग समझते हैं। आज डिफिशिएंसी बहुत ज्यादा हम लोग को मिल रहा है। आप अपने घर में रहते हो सपोज करो, तो आपके घर में क्या बायोटिक मटेरियल है कि अबायोटिक मटेरियल है कि दोनों है? बायोटिक का कुछ नाम बताइए आपके घर में, बायोटिक मटेरियल में क्या क्या है? नॉन लिविंग में क्या क्या है अबायोटिक में? सर टेबल, सर टेबल, चेयर, लैंप। रुक जाइए, आप सभी एक साथ ना बोले। इरम, इरम फातिमा। यस सर। बता बाबू कि तुम्हारे घर में जो बायोटिक मटेरियल है उनको अबायोटिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है? यस सर। आपके घर में जो बायोटिक मटेरियल है उसको अबायोटिक मटेरियल की नीड है कि नहीं? सर है। है। अच्छा, अब अबायोटिक को बायोटिक की नीड है कि नहीं है, बाकी सभी चैट में बता सकते हैं। यस सर। अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं आपके घर में, आपका टेबल चेयर, उसे बायोटिक मटेरियल्स के नीड है कि नहीं? हमारी नेसेसिटी है क्या उनको कि नहीं? नो सर। नो। कितना लोग मानते हैं नो, हैंड रेज कीजिए, कितना लोग मानते हैं कि नहीं है? तीन चार। अच्छा, कितना लोग मानते हैं कि है, नीड है? ये संख्या, ये नंबर अधिक दिख रहा है, नीड है वाले हैंड्स अधिक आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि सपोज करो मैं ये आपके पास एक फोन है, उस फोन को अगर आप कंटिन्यूअसली यूज नहीं करोगे तो उसका लुक आउट करने के लिए कोई होगा क्या? नो सर। नो सर, नहीं होगा। वैसा ही रहेगा, वैसा ही बचा हुआ रहेगा, कि उसके अंदर कुछ खराबी आ सकती है? सर खराबी आ जाएगी। आपके घर में मान के चलिए आप अपना घर छोड़कर लंबे समय तक घर से बाहर चले गए, तो क्या घर वैसा ही रहेगा कि उसको सर बहुत गंदगी आ जाएगी सर घर में? सर बहुत गंदा हो जाएगा, धूल आ जाएगी। लाइफ साइकिल कम होगा, वही रहेगा सर, लाइफ साइकिल कम होगा सर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वो अपने फिजिकल, मतलब हम अपने एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम क्या होता है कि हम बाहर के एयर से इंटरेक्ट करते हैं। एयर क्या है? अबायोटिक मटेरियल है ना? एयर अबायोटिक मटेरियल है ना? यस सर। यस सर। वाटर क्या है? अबायोटिक मटेरियल है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हुआ और हम जो होंगे हम खुद एक अबायोटिक मटेरियल है ना? तो उनको हमसे हमारा इंटरेक्शन उनके साथ होता है, उनका इंटरेक्शन हमारे साथ होता है, और हम लोग एक सिस्टम बना लेते हैं कि उनके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो ये जो एक सिस्टम बनता है, ये जो एक सराउंडिंग बनता है, एक एरिया बनता है, छोटा सा एरिया, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा। समझ में आई बात? इकोसिस्टम क्या होगा? यस सर। अब मैं डिफिनेशन मार्क कर रहा हूँ इकोसिस्टम का, जो आपको नोट डाउन करना है। देखिए, द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नोट डाउन कर लीजिए। हैंड्स डाउन कर लें सभी। हाँ चोरी भी हो गई, ठीक ही कर रहे हो। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या अभी?
आदित्य डन ओके अब आगे बढ़ते हम लोग ओके ठीक है तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो होंगे ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं ठीक ना और ये हमें बहुत सारे चीजें देते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस हमको इनसे मिलने वाले हैं रिसोर्सेज हैं बहुत चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स ये जो आपके क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग तो आपके वेजिटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग तो ये वेजिटेशन जो होगा वो नेचुरल हैबिटेट जो होगा उसको बनाता है किसके लिए एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है सॉइल को लीचिंग से प्रोवाइड बचाता है लीचिंग से बचाएगा वाटर को स्टोर कराता है और फिर हमको बहुत सारे सब्सटेंसेस जो मिलते हैं कहाँ से फॉरेस्ट वगैरह से मिलते हैं काफी सारे सब्सटेंसेस हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं ठीक क्लियर हो गई बात समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं ठीक ना अब देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया तो टेम्परेचर और मॉइस्चर जो होंगे वो मेन फैक्टर हैं जो कि कंट्रोल करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को कौन कौन से मेन फैक्टर हैं कौन कौन से मेन फैक्टर हैं जो कि कंट्रोल करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को टेम्परेचर एंड मॉइस्चर मॉइस्चर मतलब क्या नमी यस वाटर पानी ठीक ना नमी कहते हैं ठीक तो ये अगर दो चीजें हमें जैसे जहां पे मिलेगी जहां पे टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा मॉइस्चर भी अच्छा रहेगा वहां पे प्लांट का ग्रोथ काफी अधिक होगा और वहीं इसका वाइस वर्सा जहां पे टेम्परेचर और मॉइस्चर सही से अवेलेबल नहीं होंगे ह्यूमिडिटी अवेलेबल नहीं होगी तो वहां पे प्लांट्स होंगे सही से ग्रो नहीं करेंगे और एज ए रिजल्ट क्या होंगे कि ये टेम्परेचर एंड मॉइस्चर क्लासीफाई कर देंगे नेचुरल वेजिटेशन को थ्री पार्ट्स में जो ब्रॉडली थ्री पार्ट्स है नॉट ओनली थ्री पार्ट्स ब्रॉडली हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे एक बोलेंगे हम लोग फॉरेस्ट ठीक है दूसरा कहा जाएगा ग्रासलैंड घास के मैदान तीसरा कहा जाएगा श्रब्स झाड़ियां एक तरीके से ठीक समझ में आ रही बात ठीक ना तो हेडिंग डालिएगा आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हेडिंग रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ठीक और फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखिएगा कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ये भी लिख सकते हो मेनली कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कर चुके हैं डालिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और फर्स्ट पॉइंट में नोट कीजिएगा मेनली कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डन ठीक है उसके बाद आगे क्या होगा कि आगे लिखेंगे ब्रॉडली क्लासीफाई द नेचुरल वेजिटेशन इनटू फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड श्रब्स ये हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन को तीन पार्ट में तीन पार्ट कौन कौन से हैं दीज आर फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड श्रब्स डन ओके अब देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट तो बताएंगे मुझे कोई एनीवन फॉरेस्ट क्या होता है व्हाट इज फॉरेस्ट उत्कर्ष पूर्णिमा और नैतिक नयन ओके तो नयन को इस बार नयन बताइए व्हाट इज अ फॉरेस्ट द सर द क्लस्टर ऑफ ट्रीज व्हिच ग्रो close together are known as forest ठीक है cluster of trees cluster का मतलब क्या होता है नयन the group ठीक है जहां पे बहुत सारे पेड़ naturally जो होंगे वो उग जाए उसको हम बोलते हैं forest समझ में आ रही बात लेकिन ध्यान देना forest सही forest तब होगा ना जब उसकी canopy ऐसे ये forest है ना अगर ये forest है ये हमारा एक पेड़ है तो दूसरा पेड़ अगर ऐसा ऐसा हो
जो कि इसके आसपास एकदम इसकी जो ऊपर वाला झुंड होता है ना कैनोपी, इसको बोलते हैं उसका छत्ता, वो अगर एक दूसरे चिपक जाए तो इसी को हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात, किसको फॉरेस्ट बोलेंगे? अगर कैनोपी एक दूसरे से टच करे तो ठीक। तो एक तो हम लोग का फॉरेस्ट डिफिनेशन हो गया, जो आपने कहा कि फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां पे क्लस्टर ऑफ ट्रीज होंगे नेचुरली जो ग्रो करेंगे, और दूसरा हमने क्या कहा कि वहां पे कैनोपी उनके टच करने चाहिए। तो हमारे दो डिफिनेशन बन के आ रहे हैं, दोनों हम लोग नोट डाउन करेंगे ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या होगा? द क्लस्टर ऑफ ट्रीज विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट, ठीक ना। और अब हो गया एक और डिफिनेशन आ गया ट्रू फॉरेस्ट, यानी कि सही में जो फॉरेस्ट है वो क्या होगा? तो ट्रू फॉरेस्ट इज वन इन विच ट्री ग्रोज सो क्लोज टू वन अनदर दैट देयर कैनोपीज टच, ठीक ना। तो ये दो डिफिनेशन आपके सामने आ गए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉरेस्ट का। यस अमृत देव बताइए, बोलिए अमृत सर। वो हैंड अच्छा हैंड साउंड कर लो अमृत और नयन, लोअर योर हैंड। डन कर चुके सभी? ओके थोड़ी देर वेट कीजिएगा आप लोग सभी, सभी वेट करना थोड़ी देर।
मैं सर्च कर रहा था आपको मैप पे दिखाने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे। काफी कुछ सर्च करने के बाद भी हमें ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को अभी सामने स्क्रीन? यस और नो? ठीक है, चलो यहाँ से हम थोड़ा बहुत समझते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। तुम लोग पढ़े हो ना, ये रीजन जो होगा ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। बुक दिख रहा है आप लोग को? सभी को बुक दिख रहा है क्या? ठीक है, वेट अ मिनट। ये देखिए, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन, अब शो हो रहा है? अभी भी नहीं शो रहा आदित्य कुमार को? हाँ, गूगल आ रहा है ना, वही गूगल में शो कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है जोन पढ़ना सब, एक जोन जो होगा ट्रॉपिकल जोन है, ये दिख रहा है बीच में ट्रॉपिकल जोन? ठीक है, एरो दिख रहा है ना? ये जोन, यस। अच्छा, उसके ऊपर आपको टेम्परेट जोन दिख रहा है। देखो ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है ना कि यहाँ पे सनलाइट भी एनफ होता है, यानी कि टेम्परेचर भी काफी अधिक मिलेगा, और यहाँ पे रेनफॉल भी अधिक होता है इस एरिया में। ये टेम्परेट जोन जो होगा वो दोनों बराबर लगभग इक्वल, और यहीं पे हम लोग डिवाइड कर देंगे ना इसी टेम्परेट जोन में, एक 50-70 डिग्री का रेंज। ठीक है, जूम खुद कर सकते हो आप, उत्कर्ष, यू कैन जूम योर सेल्फ। ठीक है, अब चलिए इस पे से हम लोग फिर वापस आते हैं हम लोग अपने बुक पे। ये देखिए, तो अब क्या होगा, हम लोग फॉरेस्ट को जो होगा वो तीन मेन टाइप में डिवाइड करेंगे। एक तो डिवाइड करेंगे जो होगा फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन का फॉरेस्ट होगा। ठीक, उसके बाद जो दूसरा होगा वो कहाँ का होगा, तो वो टेम्परेट रीजन का होगा। और तीसरा जो होगा वो कहाँ का होगा, तो टाइगर रीजन का होगा। ठीक ना, तो फॉरेस्ट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, तीन रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। ठीक ना, फॉरेस्ट को हम लोग तीन रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, सेकेंड वन इज द फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन, एंड थर्ड वन इज द फॉरेस्ट ऑफ टाइगर रीजन। समझ में आ रही बात? ठीक, तो आप टॉपिक डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। टॉपिक क्या लिखोगे आप लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। एनसीईआरटी का चैप्टर टू है अमृत, चैप्टर टू पढ़ रहे हम लोग एनसीईआरटी का। ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट डाल के लिखिएगा तीन हेडिंग, फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन, एंड फॉरेस्ट ऑफ टाइगर रीजन, ये तीन। नोट कर चुके आप लोग? नोट कर चुके? डन ना? चलिए अब हेड डालिएगा फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, अब फिर से हेड डालिएगा फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, और इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिएगा कि हैव एवरग्रीन एंड deciduous forest. First point. ठीक ना, second point डाल के आप लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। second point आप डाल के क्या लिखोगे?
evergreen in equatorial and deciduous in monsoon region. एंड थर्ड लिखेंगे आप लोग एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, शो कर दे रहा हूं, नोट कर लिया आप लोग, डन ना? चलिए अब मुझे थोड़ा बहुत आपका हेल्प चाहिए, आप मुझे बताओगे. चलिए कौन बताना चाहेगा, कौन बताएंगे मुझे? उत्कर्ष. ओके उत्कर्ष, उत्कर्ष ये बताओ. यस सर. एवरग्रीन रीजन में टेम्परेचर हाई होता है कि लो होता है? सर लो. और रेनफॉल क्या थ्रू आउट द सीजन होता है कि थ्रू आउट द ईयर होता है कि सीजन सीजनल होता है? सर थ्रू आउट द ईयर होता है. थ्रू आउट द ईयर होता है. अच्छा टेम्परेट में क्या होगा? सॉरी टेम्परेट रीजन. हाँ बताओ. टेम्परेचर हाई की लो, हाई की लो की मीडियम? सर मीडियम रहता है. अच्छा मैंने यहाँ पे कहा मानसून रीजन, मानसून का मतलब क्या होता है? सर जहाँ पे बारिश वाला मौसम हमेशा रहता है. बारिश वाला मौसम हो, मॉनसून रीजन मतलब होता है कि वैसा रीजन जहाँ पे बारिश कभी कभी होती है, हमेशा फ्रिक्वेंटली बारिश वहाँ पे नहीं होती है. हाँ, बारिश का मौसम सा बना रहता है. मॉनसून एक विंड है, अभी मॉनसून आया ना हमारे यहाँ, इसलिए बारिश हो रही है. तो मॉनसून में क्या बारिश थ्रू आउट द ईयर होगी कि किसी गिवन टाइम इंटरवल पे होगी? सर कुछ सीजन के लिए होगी, कुछ टाइम इंटरवल के लिए. चलो ठीक. अब देखो बाबू, हमने कहा एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब सभी समझेंगे, जिसको एवरग्रीन सदा हरित बोलते हैं, हमेशा हरा रहेगा. तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी के सभी प्लांट जो होंगे ना ये डिफरेंट सीजन में क्या होगा, अपने पत्ते गिरा देंगे. लेकिन एवरग्रीन में क्या होता है कि कुछ पेड़ों ने अपना पत्ते गिराए, उसी टाइम पे कुछ पेड़ों में नए पत्ते आए, यानी कि सभी पेड़ एक टाइम पे अपने सारे पत्ते नहीं गिराते हैं, तो हमेशा वो हरे भरे हमें दिखाई देंगे, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट. बात समझ में आई? लेकिन डिसीडियस में क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि एक ही साथ सब मिलकर एक साथ ही अपने सारे के सारे जो क्या होते हैं लीव्स जो होंगे उसको शेड कर देंगे, गिरा देंगे. तो एक टाइम पे लग जाए तो सारे के सारे पेड़ जो होंगे वो टकले हो गए, ठीक ना? तो वो चीज होगा, वो हम लोग कहलाएगा क्या? डिसीडियस. अब कहाँ पे डिसीडियस होगा और कहाँ पे एवरग्रीन होगा? तो इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ पे थ्रू आउट द सीजन जो होगा आपको रेनफॉल होते रहता है, हल्के फुल्के शॉवर होते रहते हैं, टेम्परेचर भी हाई होता है, तो उस जगह पे क्या होंगे आप बताएंगे मुझे, उस जगह पे क्या मिलेगा, एवरग्रीन की डिसीडियस? जो इक्वेटोरियल रीजन होगा वहां पे क्या मिलेगा? एवरग्रीन, ठीक है. और जो मॉनसून रीजन है उस मॉनसून रीजन में क्या मिलेगा? मॉनसून रीजन में डिसीडियस. सभी समझ चुके सभी? तो अब जरा नोट कर लोगे, देखो यहाँ पे कुछ कुछ आप एग्जांपल्स को आप लोगों को नोट डाउन करने हैं. जैसे कुछ एग्जांपल आप लिखोगे एवरग्रीन में से, एवरग्रीन के एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं. कहाँ पे? तो इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड आयरनवुड, ये सब के सब जो होंगे ये एवरग्रीन है, इक्वेटोरियल वाले हैं, ठीक ना? और वहीं पे टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड एंड बॉम्बू, ये जो होंगे वो आपके मॉनसून रीजन के हैं, डिसीडियस, ठीक है. तो दो दो चार चार आप लोग एग्जांपल डाल लीजिए, जितना आपकी मर्जी करे. एग्जांपल में एवरग्रीन के कुछ एग्जांपल और फिर क्या होगा कुछ डिसीडियस के एग्जांपल. आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा. Done.
यस कौशिक बोलिए कौशिक। सर ये जो ऊपर वाला सर एग्जांपल सर जो दिए हैं सर इसके लिए सर क्या बोले लिखने के लिए इक्वेटोरियल यहाँ पे देखो ना थोड़ा पढ़ोगे और ऊपर तो मिल जाएगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन है इबोनी है महोगनी है रोजवुड है रबर है अरवाई फॉरेस्ट मौसम में कौन कौन है टीक है साल है शीशम है सैंडलवुड है बंबू है एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है पूछ देगा महोगनी बताइए महोगनी कौन सा किस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है ओके अब अगला हिंट डालिएगा फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन अगला लिख लिए अब देखिए फर्स्ट पॉइंट टेम्परेट रीजन यानी कि वहां पे विंटर भी आएगा ठंडी भी आएगी ना तो ठंडी ज्यादा ठंड नहीं होती वहां पे विंटर जो होंगे वो कैसे होंगे माइल्ड होते हैं और रेनफॉल जो होगा वो मॉडरेट होगा तो पहला पॉइंट अलग लीजिएगा विंटर्स आर माइल्ड एंड रेनफॉल इज मॉडरेट यानी खूब अधिक ठंड नहीं होगा ठीक ना अगला पॉइंट आपका होगा मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर डिसीडियस दो पॉइंट बस कर लीजिए बाकी आप लोगों को समझना है दो पॉइंट कर लिए और आगे हम लोग बस इसके कुछ एग्जांपल सीखेंगे Then चलिए अब आगे समझना है इसको तो टेम्परेट रीजन यानी कि वैसे रीजन जहां पे टेम्परेचर खूब हाई भी नहीं रहता है ठंडी पड़ती है लेकिन ठंडी इतनी भी ठंडी नहीं पड़ती कि वहां पे आप लाइफ वहां पे सर्वाइव ना कर सके तो ठंडी भी कोई ज्यादा ठंड नहीं होती है रेनफॉल भी लगभग होते रहता है उस एरिया में और ऐसे एरिया में फॉरेस्ट के साथ साथ ट्रीज फॉरेस्ट तो ट्रीज उसमें होते हैं लेकिन साथ साथ स्क्रब्स और बुशेज झाड़ियां भी वहां पे होना शुरू करती हैं इनका ग्रोथ काफी कम होता है और मोस्ट ट्रीज जो होंगे डिसीडियस होते हैं जो कि ऑटम के महीने में यानी कि समर के टाइम पे ऑलमोस्ट ये अपने क्या होंगे सारे के सारे पत्ते जो होंगे गिरा देंगे कुछ कुछ जगह पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी मिलते हैं कॉनिफेरस ट्रीज भी मिलते हैं कॉनिफेरस ट्रीज का मतलब क्या होता है जिनके ट्रीज में लीड्स हो जिसके लीव्स में क्या होते हैं नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्रिएटेड रहे ठीक ना और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स है ओक एश बीच पॉपुलर इल्म एंड पाइन ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि आपके टेम्परेट रीजन में मिलते हैं ठीक और दीज ऑल आर हार्डवुड समझ में आई बात बस इतना ही नोट डाउन करना है हाँ इतना ही आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग का ये टेम्परेट रीजन भी खत्म हो जाएगा डन ठीक है अब अगला नेक्स्ट थिंग डालेगा फॉरेस्ट ऑफ टैगा रीजन अगला आते हैं हम लोग टैगा रीजन में
टाइगर रीजन। तो लैटिट्यूड अगर आप लोग को याद होगा तो लैटिट्यूड का इसका रेंज है 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। ये नॉर्थ में होते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर में 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर 17 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक ना। कैसे जरा समझाते हैं आप लोग को, देखो ये जैसे ये अगर हम लोग मान लिए कि ये मेरा अर्थ है तो इसको बोलते हैं हम लोग जीरो डिग्री। ये जीरो डिग्री होता है, सबसे टॉप पे 90 डिग्री आता है। तो वैसे ही क्या होगा यहाँ पे, ये 50 डिग्री और उसके ऊपर जो होगा ये 70 डिग्री, इसका एरिया, ये जो एरिया होगा इसमें जो फॉरेस्ट मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइगर रीजन। ये टाइगर रीजन वाले फॉरेस्ट हैं, ठीक ना। अब बताइए टाइगर रीजन में टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा कि लो होगा? टाइगर रीजन में टेम्परेचर हाई होंगे कि लो होंगे? लो होगा, हाई होगा। अरे वाह, 50 टू 70 में जीरो डिग्री पे इतना हाई होता है, बाद में धीरे धीरे लो होते हुए चला जाता है, ठीक ना। मीडियम होगा, ज्यादा लो भी नहीं होगा, वेरी गुड, ये भी चीज सही है। अब बताइए वहां पे ठंडी क्या होगी, ठंडी अधिक की कम? ज्यादा होती है जनरली, नॉर्मल नहीं, ज्यादा होती है उस एरिया, ठीक ना, 50 टू 70। हाँ बहुत, या पोलर रीजन के बराबर तो नहीं होगी, ठीक ना। तो वहां पे उस जगह पे जो होंगे वो टाइगर रीजन के जो होंगे वो टाइगर रीजन कहे जाते हैं। और उस जगह पे जो फॉरेस्ट होते हैं उसको वो कनिफेरस फॉरेस्ट जनरली मिलते हैं वहां पे। कनिफेरस यानी कि जिनके जो होंगे या तो ऐसा उनका स्ट्रक्चर होगा, देखते होंगे जहाँ पे बर्फ अधिक पड़ता है ना, क्रिसमस ट्री देखे हो सब ना, तो क्रिसमस ट्री तरह के वहां पे पौधे होंगे, देखे हो सब की नहीं। या फिर क्या होंगे कि उनके जो लिप्स होंगे वो लिप्स ऐसे नीडल शेप्ड होंगे, लास्ट में लिप्स जो होगा उसका जो पिन पॉइंट होगा वो नीडल शेप्ड होगा, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल जो होंगे इसीलिए, इसके कारण से वो एक शंकु का आधार बनाते हैं, ठीक। तो वहां पे कनिफेरस फॉरेस्ट जो होंगे जनरली फाउंड किए जाते हैं, पॉइंटिंग ट्रीज, ठीक है, अपर में, जैसे समझ सकते हो आप लोग। तो नीडल शेप्ड लिप्स कर सकते हो, यहाँ पे देखो दिया हुआ हैव स्ट्रेट ट्रंक्स विथ नीडल शेप्ड लिप्स, दिख रहा है ना आप लोग को, हो गया। कुछ ट्रीज वहां पे ऐसे होते हैं जो कि डिसीडियस भी हैं, जैसे डिसीडियस का एग्जांपल दिया है लार्क, लार्क एक ट्री है वो भी वहां पे मिलता है जो कि डिसीडियस नेचर का होता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम स्पीसीज वहां पे देखने को मिलते हैं, बहुत कम प्लांट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं टाइगर रीजन में, ठीक है। तो बस इतना ही नोट करना है, 15 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, और बाकी आप छोड़ सकते हो। समझ में आया?
वाय सारी मेरी सबको, आई थिंक हम म्यूटेड होकर सारी बातें सबको पढ़ा रहे थे। यस सर आ रही है। यस सर यस अभी आ रही है, पहले नहीं आ रहा था। और आपने बताया भी नहीं आ रही है सर। वो चैप्टर पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे मूव किए हैं अपने एनसीईआरटी पे। देखिए मैं काफी आपको पढ़ाते चला गया हूँ। हमने चैप्टर बिगिन किया था कहाँ पे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमने शुरू किया था ना। तो देखो बायोस्फीयर का डिफिनेशन आपने पढ़ा कि नहीं? यस और नो? यस सर पढ़ा। यस सर पढ़ा। इकोसिस्टम पढ़ चुके आप लोग? यस सर। यस सर। उसके बाद आप पढ़ चुके हैं कि वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है। यस सर। यस सर। ठीक, अब उसके बाद आगे हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग वहाँ पे किए तीन, यहाँ पे चार दिया हुआ है, फॉरेस्ट ग्रासलैंड, वहाँ पे स्क्रब एंड टुंड्रा, वो दोनों हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो फॉरेस्ट था, ग्रासलैंड था। एनसीईआरटी बुक में ज्यादा डील किया नहीं, एनसीईआरटी बुक में बहुत डिटेलिंग नहीं लिखा हुआ है, बहुत सिंपली उसने क्लासिफाई कर दिया था। तो मॉडरेट रेनफॉल वाला रीजन जहाँ पे ग्रासलैंड होगा, तो हमने पूरा का पूरा फॉरेस्ट को ही तीन पार्ट में भी डिवाइड कर लिया है। समझ में आ रही बात? किए ना हम लोग? Yes, ठीक है। फिर हम लोग अभी ग्रासलैंड पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे टुंड्रा रीजन को उसी बुक से। तो एनसीईआरटी आप लोग का कंप्लीट है, एनसीईआरटी में जितना हम लोग पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग ले रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो चलते हैं फिर से रत्नासागर बुक पे। एनसीईआरटी जिसका है वो अपना देख लेंगे, और कोई टॉपिक मिस करेगा तो मुझे बताइएगा। आई होप कि हम लोग एनसीईआरटी से अधिक कर रहे हैं। ठीक, अब देखो जहां पे ट्रीज नहीं उग पाएंगे उस जगह पे बड़े बड़े घास हो जाते हैं, घास, ग्रासेस, ठीक है। इस एरिया को हम लोग बोलेंगे ग्रासलैंड। घास वाले क्या बोलेंगे? शशांक पांडे, जिसके भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है ना, वो अपना म्यूटेड रखो माइक को। ठीक, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड वैसे एरिया जहां पे ट्रीज काफी अधिक नहीं उग पाएंगे। अने हैंड रेस क्यों रह रहा है तुम्हारा अने श्रीवास्तव? ठीक है, तो ग्रासलैंड कहाँ किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे, रेनफॉल कितना अधिक होता है। तो जैसे जैसे रेनफॉल डिक्रीज करेगा वैसे वैसे फॉरेस्ट कवर जो होगा वो भी डिक्रीज करते जाएगा, और वहां पे ग्रासेज होंगे, ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रासलैंड। समझ में आ रही बात? नोट नहीं करना है कुछ किसी को कुछ भी, ठीक है। तो रेनफॉल होगा तो ट्रीज अधिक होंगे कि कम होंगे? रेनफॉल कम ज्यादा होंगे। रेनफॉल अधिक होगा तो ट्रीज भी अधिक, रेनफॉल कम होगा तो ट्रीज भी कम। और जब रेनफॉल कम हो गया तो उस समय जो ग्रासेस होंगे उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। जो ग्रासेस हो जाएंगे उस एरिया को, क्योंकि ग्रासेस काफी दिख रहे हैं, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड। अब ये ग्रासलैंड भी डिवाइड होंगे ना, ये ग्रासलैंड भी डिवाइड होंगे। तो ग्रासलैंड कौन कौन से है, तो फिर वही रीजन वाइज डिवाइड करेंगे हम लोग। एक होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा जो होगा वो कहलाएगा आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। दो ही ग्रासलैंड होंगे, एक कौन सा ट्रॉपिकल और दूसरा कौन सा होगा टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक ना। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है, वो तुमको बाई डायग्राम दिख रहा है अर्थ का, दिमाग में समझ में आ रहा है किस एरिया में होगा? सर सर, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में तो रेनफॉल होती है ज्यादा। नहीं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं ना जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगा समर सीजन के टाइम पे, तो जिस एरिया में हाई रेनफॉल होगा उस एरिया में फॉरेस्ट होंगे, और जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगा उस एरिया में क्या होंगे? ग्रासलैंड। हाँ, ये कहाँ मिलते हैं, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के ही अंदर मिलते हैं। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? यहाँ पे भी ड्राई सीजन पड़ेगा, और इसमें से एक ग्रासलैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो नाम याद कीजिएगा, सवाना। सवाना ग्रासलैंड लिख ले। हाँ, लिख लीजिएगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। इसको सर ऐसे लिख सकते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर कॉल्ड द सवाना, कर सकते हैं। वही लिख ले।
आयुष ठीक है डन यस अमृतदीर्घ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर आल्सो नोन एज सवाना. तो वैसे ट्रॉपिकल ग्रास में जहां पे लंबे लंबे ग्रासेस होंगे बड़े बड़े घास वाले एरिया को हम सवाना बोलते हैं. और बड़े घास होंगे तो क्या तुम एनिमल रियरिंग करोगे फार्मिंग करोगे लाइव स्टॉक्स को पालोगे यस सर. तो इस एरिया में जो होगा वो फार्मिंग की मतलब की जनरली जो होगी वो रियरिंग की जाती है लाइव स्टॉक्स की ठीक है. लेकिन अब क्या होगा कि अब हम लोग जो होगा इसके ऊपर ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं और हमारे केयरलेसनेस के कारण क्योंकि हम लोग इसके ऊपर केयरफुल नहीं है तो हमारे केयरलेसनेस के कारण क्या हो रहा है कि उसका हम लोग सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे उसका लुकअप नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे वो इलैप्स कर रहे हैं गायब हो रहे हैं और वहां पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है. जहां पे ग्रासलैंड था जहां पे घास के मैदान थे वो डेजर्ट पे चले गए ओवरग्रेजिंग हो गया फिर वहां पे आपने मैनेजमेंट नहीं किया तो सारे घास सारे वेजिटेशन खत्म हो चुके हैं और वहां पे डेजर्ट बन रहा है. समझ में आ रही बात ठीक है. अब आया दूसरा टेम्परेट. दूसरा क्या है टेम्परेट ग्रासलैंड. तो उसमें लैटिट्यूड लिख लीजिएगा 30 डिग्री टू 55 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर दोनों तरफ बोथ द हेमिस्फीयर 30 डिग्री टू 55 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर दोनों तरफ मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड. सवाना हर एक कॉन्टिनेंट में मिलता है टेम्परेट हर एक कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेगा. ओके अब आगे देखते हैं ठीक ना. अब इसमें जो होंगे टेम्परेट ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जाता है तो इसको कहा जाता है क्या प्रेयरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में. टेम्परेट ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है प्रेयरीज. क्या कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में बताइए जल्दी. प्रेयरीज साउथ अमेरिका में इसी को कहा जाता है पंपास. साउथ अमेरिका में इसको कहा जाता है पंपास. यूरोप एंड एशिया के लगभग पार्ट जहां पे दोनों मैच करते हैं उस एरिया में इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स. साउथ अफ्रीका में इसी को कहा जाता है वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है डाउन्स. डाउन नाम याद रखना है ठीक ना. प्रेयरीज भी टेम्परेट है लेकिन नॉर्थ अमेरिका में कहा जाएगा पंपास. साउथ अमेरिका में कहा जाएगा यूरोप एंड एशिया में स्टेप्स कहे जाएंगे साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स कहे जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं का नाम होगा डाउन्स. सभी लिख लीजिएगा प्रेरीज कहां पे एरो डाल के प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका पंपास साउथ अमेरिका यूरोप. हाँ अभिराज एशिया में ही आता है रशिया तो यूरेशिया में क्यों नहीं आएगा. डन. अब देखो जिस एरिया में टेम्परेचर काफी कम हो या काफी ज्यादा हो क्या वहां पे पेड़ पौधे ग्रो करेंगे. यस और मां शशांक पांडे शशांक लगा जा रही हो ठीक जाओ इसलिए मुझे तो लगा जाओ. चलो मुझे मैं क्या पूछ रहा था आप लोग मुझे ये बताइए
कि जिस एरिया में बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा या बहुत लो टेम्परेचर होगा और रेनफॉल बिल्कुल कम, तो उस एरिया में ट्रीज बहुत अधिक होंगे कि बहुत कम होंगे? सर बहुत अधिक होंगे। बहुत अधिक होंगे, वाह। जहाँ टेम्परेचर बहुत कम, बहुत अधिक या कम हो, या तो बहुत अधिक या बहुत कम और रेनफॉल स्कैंटी हो, तो ट्रीज वहाँ पे बहुत अधिक होंगे। किसने कहा ये? सर कम होंगे। कम होंगे ना, कम होंगे सर, बहुत कम होंगे। एरिया को या तो हम हॉट डेजर्ट बोलते हैं या फिर कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। अगर टेम्परेचर खूब ज्यादा होगा तो हॉट डेजर्ट, और टेम्परेचर खूब कम होगा तो कौन सा डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट। और वहां पे जो होंगे वहां छोटी छोटी झाड़ियां होंगी, उसको हम बोलते हैं श्रब्स। ठीक है, तो श्रब्स कहाँ ग्रो करते हैं? तो इन एरियाज ऑफ वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर एंड स्कैंटी रेनफॉल। क्लियर है बात? कहाँ पे ग्रो करेंगे ये? यस सर। यस सर। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट वेजिटेशन। इसी के अंदर श्रब्स के अंदर है डेजर्ट वेजिटेशन और टुंड्रा वेजिटेशन। हाँ, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है और वहीं सहारा जो होगा वो हॉट डेजर्ट है। ठीक ना? अब डेजर्ट वेजिटेशन के अंदर आप लोग दो पॉइंट लिख दीजिएगा, एक कोल्ड डेजर्ट और एक जो होगा कौन सा डेजर्ट, तो हॉट डेजर्ट। ठीक है, और हॉट डेजर्ट वाले एरिया में इवेपोरेशन को रोकने के लिए जो ट्रांसपीरेशन कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में, प्लांट जो रिलीज करते हैं वाटर को, याद है ना ट्रांसपीरेशन सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो उसको रोकने के लिए yes, जो भी डेजर्ट yes, वेजिटेशन होते yes, हैं उनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, लिप्स नहीं होते हैं, कांटे होंगे, ताकि कांटे लिप्स जो होंगे वो बहुत अधिक फैले होते हैं ना, ब्रॉडेड ब्रॉड तरीके से फैले रहेंगे, ज्यादा चौड़े होंगे तो अधिक अमाउंट में क्या करते हैं कि वो इवेपोरेशन करते थे, वैसा नहीं जो थे, इसलिए वो पतले हो जाते हैं। ठीक, जस्ट लाइक कैक्टस। यस, जस्ट लाइक कैक्टस। या फिर अगर लिप्स होंगे तो उसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है, ताकि वो कम से कम अमाउंट में क्या करे, वाटर को रिलीज कर पाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? और वो जो होंगे वो मोटे होंगे और स्पॉन्जी होंगे, अधिक से अधिक अमाउंट में वाटर को अपने पास रिटेन करके रखते हैं। ठीक, वाटर उनको मिलता नहीं है तो उनके रूट्स काफी लंबे होंगे नीचे तक, जहां पे वाटर अवेलेबल होगा वहां से खींच के लाएंगे, तो उनके रूट्स जो होंगे वो लॉन्ग होंगे। तो ये इनके फीचर्स होते हैं, उनके पास इनके थॉर्न्स होते हैं, इनके वैक्स कोटेड लिप्स होते हैं, वो थिक होते हैं, स्पॉन्जी स्टेम होता है और उनके रूट जो होंगे काफी लॉन्ग होंगे। एग्जाम्पल डालीजिएगा कैक्टस, थॉर्नी बुशेस एंड कोरस ग्रास एग्जाम्पल के अंदर। ठीक ना? ये वैक्स जो होता है नेचुरल होता है ना, वैक्स कोटेड? डन। हाँ बाबू, वैक्स नेचुरल होता है, अब केमिकल भी होता है, लेकिन जनरली वैक्स जो पहले बनता था वो नेचुरल नहीं होता था। हो गया। अब लास्ट टॉपिक आज का टुंड्रा वेजिटेशन, आज का लास्ट टॉपिक टुंड्रा। तो टुंड्रा वेजिटेशन जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं, यानी कि माउंटेन्स में मिलेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में हाई एल्टीट्यूड में मिलेंगे, सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे, हर जगह नहीं, जनरली यूरेशिया मिलते हैं, अमेरिका मिलते हैं। ठीक, और ये वैसे जगह मिलेंगे जहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा हो, गर्मी बहुत कम हो, ठंडी काफी अधिक हो और गर्मी काफी कम हो। ठीक है, अब क्या होता है कि समर सीजन के टाइम पे जो पूरा का पूरा, सपोज करो ये ठंडा है, ध्यान दो, अगर एक मिनट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एरिया है और इस एरिया में बहुत ही ठंडी पड़ी, तो इसके ऊपर स्नो की कवरिंग हो जाएगी ना, स्नो स्नो यहाँ पे कवर कर लेगा पूरा इसको, और फिर जो छोटा समर सीजन आएगा उसमें ये वाटर जो होंगे वो मेल्ट कर जाएंगे। ठीक, और जब वाटर मेल्ट कर जाएंगे तो इस एरिया में कुछ ग्रासेस जो होंगे वो उग जाते हैं। ठीक, वो कौन से ग्रासेस है? उनका नाम दिया है मॉसेस, ये एक तरह घास है, लाइकेंस एंड शॉर्ट ग्रासेस, ये यहाँ पे उग जाएंगे, ये यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडोज, ये मीडोज कहलाएंगे। समझ में आई बात?
तो क्या क्या नोट करना है आप लोग को टुंडा वेजिटेशन के अंदर, वो देख लीजिएगा कि टुंडा वेजिटेशन कहाँ मिलते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर, हाई एल्टीट्यूड ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और आगे लिख लीजिएगा मॉसेस, एग्जांपल है मॉसेस, लाइकेंस एंड शॉर्ट ग्रासेस, और दीज आर कॉल्ड मीडोज। ठीक, टुंड्रा के अंदर इतना ही आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने जो पढ़ा मैं क्लियर करा लूं, जरा सभी एक बार ध्यान दीजिएगा, इकोसिस्टम का डिफिनेशन सभी को याद हो जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आप लोग याद कर लोगे। यस सर, तीन तरह के फॉरेस्ट हमने पढ़ा, कौन कौन सा, थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कौन कौन सा था सर, फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, टेंपरेट रीजन और टाइगर रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में दो तरह के फॉरेस्ट है, कौन कौन से, एवरग्रीन और इक्वेटोरियल रीजन में कौन सा फॉरेस्ट होगा, इक्वेटोरियल में एवरग्रीन, एवरग्रीन, मॉनसून एरिया में डेसिडियस, डेसिडियस, जो आपके टैगा रीजन है, टैगा रीजन, ठीक ना, टैगा रीजन में कैसे प्लांट्स मिलते हैं हम लोग को, कैसे फॉरेस्ट, वेरी गुड, नीडलशिप वहां पे होते हैं। अगर किसी एरिया में लो रेनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर भी काफी ज्यादा वेरी कर रहा है, मिड रेंज का टेम्परेचर आ रहा है, और इक्वेटोरियल रीजन है यानी कि ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे कौन सा ग्रासलैंड मिलेगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक ना, उसका नाम क्या है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, सवाना। और टेम्परेट रीजन में कौन सा ग्रासलैंड मिलता है, प्रेरीज मिलते हैं टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं ना बाबू, टेम्परेट रीजन में कौन सा ग्रासलैंड मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, डाउन्स, वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, डाउन्स, ठीक है, कैक्टस, ठीक ना, कैक्टस के ऊपर नीडल्स क्यों होते हैं, वेरी गुड, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन जो होंगे उनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 30 to 55 डिग्री, मॉसेस, लाइकेंस एंड शॉर्ट ग्रासेस, इनको किस और नाम से जानते हैं हम लोग, मीडोज, चलिए समझ में आई सबको आज का क्लास, यस सर, था बहुत इजी था, यस सर, यस सर, एक लास्ट हम लोग का अब क्लास बचेगा इस चैप्टर के लिए और वो सैटरडे को रहेगा, ठीक ना, यस सर, ओके, सर मंडे को क्या होगा, सर मंडे, मंडे को, सॉरी मंडे को, मुझे लग रहा है आज मंडे है, और सॉरी मंडे को रहेगा लास्ट क्लासेस का, ओके, ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय, बाय सर, गुड बाय सर, गुड नाइट सर, बाय सर, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट, सर पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, ये देखो मैं पीडीएफ आपको अपलोड करूंगा एनसीईआरटी के नोट्स के, ठीक ना, ओके सर, ओके, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आज नहीं तो कल, ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ऑलराइट, होमवर्क सर, सर ये टुंड्रा रीजन और डेजर्ट वेजिटेशन जो बताएं सर, ये किसमें दिया है, एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी में, बस इसको शॉर्टली डिफाइन किया है और हमने इसको डील कर लिया रत्नासागर से,
सर तो हम लोग ये रत्न सागर वाला लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, रत्न सागर वाले आपको लिखने हैं, याद भी करने हैं, आपका एनसीईआरटी से कोई टॉपिक भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग देख लेना।